धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें नहीं लगता कि मान सिंह ऐसा कुछ कर सकते। मान तो हम भी नहीं सकते हैं जोधाबाई का, लेकिन हम सबूत हो चश्मदीदों की गवाही को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मान सिंह एक सच्चे राजवंशी हैं, बहादुर है, निष्ठावान है और समय समय पर वो ये बात सिद्ध भी कर चुके हैं। हमें अपने आप से अधिक विश्वास मान सिंह पर है और आपको भी था। फिर अब क्या हो गया? क्यों आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? क्यों उनकी सारी सेवाओं को अनदेखा कर दिया है आपने? बस जोधा बेगा, इस बारे में हमको ये बात नहीं करेंगे। कैसे बात ना करें शहंशाह? मानसिंह ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन जिन लोगों ने मानसिंह और राजवंशी को मदद करते हुए देखा वो भी हमारे वफादार हैं जोधा बेगा। राजा तोरमल साहब, खान खाना असीज को कहा, हम उनकी गवाहियों पर शक कैसे कर सकते हैं? और फिर उन राजवंशियों ने मानसिंह का शुक्र अदा क्यों किया? और वो खत, उसे कैसे भूल सकती हैं आप जो मानसिंह के हुजरे से बरामद हुआ है? जोधा बेगम, शेखू बाबा को खुफिया रास्ते से कहीं और ले जाया जा रहा है, ये बात सिर्फ हमारे रत्नों को मालूम थी। सब अपनी जगह तैनात थे सिवाय मान सिंह के। क्यों क्यों जब हमने उनसे कहा कि आप शहजादे सलीम के साथ जाएं, तो उन्होंने बहाना बनाकर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। हम बस इतना जानते हैं कि मान सिंह निर्दोष है। तो क्या हमारे रत्न झूठ बोल रहे हैं? तो वो भी तो नरवर्तनों में से एक है। बस जोधा बेगम, हमने जो फैसला लिया है वो सही है। अगर मान सिंह बेगुनाह है तो उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। हम जज्बात में आकर उनके खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से प्रश्न पूछिए, क्या आपको विश्वास है कि मान सिंह ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आपको यकीन था कि सलीमा बेगम हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगी? नहीं ना। जोधा बेगम, इंसान कमजोर होता है, कब उसकी वफादारी गद्दारी में तब्दील हो जाए कोई नहीं कह सकता है। हमने खुद अपनी आंखों से हमारे अपनों को गैरों में तब्दील होते हुए देखा है। पहले खान बाबा, फिर बड़ी अम्मी, फिर आदम खान, अब सलीमा बेगम, अब मान सिंह। राजनीति में, तख्त पर, बादशाहत में कोई किसी का सगा नहीं होता है जोधा बेगम। ये बात खुद हमसे हमारे खान बाबा ने कही थी। आप चाहे जो कहें, हमें विश्वास है मान सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। माफ कीजिएगा बेगम खास, शहंशाह का हुक्म है, मान सिंह जी से किसी को मिलने की इजाजत नहीं। आप भूल रहे हैं कि आप मरियम उस जमानी से बात कर रहे हैं। हम आज्ञा देते हैं कि मार्ग से हटिए, नहीं तो कड़ा दंड भुगतना होगा। मान सिंह, बुआ साहब को यहां नहीं आना चाहिए था। शहंशाह को पता चलेगा तो क्रोधित होंगे। कैसे नहीं आते? ये जानते हुए कि तुम निर्दोष हो, किसी ने षड्यंत्र रचा है तुम्हारे और राजवंशी निष्ठा के विरुद्ध। तुमने तो सदा सलीम से कितना प्रेम किया है, अपने प्राणों से भी अधिक सदा सलीम की रक्षा की है। बुआ सा, लेकिन अभी सारे साक्ष्य और शहंशाह का निर्णय हमारे विरुद्ध है। शहंशाह चाहे कुछ भी सोचे, परंतु हमें तुम पर पूरा विश्वास है। हम सलीमा बेगम से भी मिलने गए थे और उनसे मिलकर हमें अनुभव हुआ कि कोई है जो बहुत बड़ी चाल चल रहा है उन सबके विरुद्ध जो शहंशाह के विश्वास पात्र हैं। समझ नहीं आता कि शहंशाह ने तुम्हें बंदी क्यों बनाया। शहंशाह ने वही किया जो एक न्यायप्रिय राजा को करना चाहिए था। उन्होंने हमें कैदी तो बनाया परंतु कोई दंड नहीं दिया। हमें पूर्ण विश्वास है कि शहंशाह इसकी तह तक जाएंगे। किंतु बुआसा, आपको यहाँ आकर शहंशाह के हुक्म की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। यदि वो शहंशाह तो हम भी मरियम उस जमानी है, किसी निर्दोष को दंड लेते हुए हम नहीं देख सकते। मानसिंह, तुम यहाँ पर रहते हुए कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए हमें साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे।
इससे तुम हमें सोच कर बताओ, कोई ऐसी बात है जिससे हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? क्या बताएं बुआ साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन थे, परंतु अब सबको समझ आ रहा है। बुआ साहब, उन लोगों ने राजवंशियों जैसे वस्त्र पहने थे, परंतु वो राजवंशी लग नहीं रहे थे। राजवंशी लग नहीं रहे थे मतलब? बस ये समझ लीजिए, बुआ साहब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और उसके पीछे जो कोई भी है वो बहुत खतरनाक है। खैर बुआ साहब, आप इस सब में मत पड़िए, आप शहंशाह की पत्नी हैं, शहंशाह का हर हाल में साथ देना आपका कर्तव्य है। हम सदा उनके साथ हैं मानसिंह, परंतु वो एक शहंशाह है और इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि वो सदा न्याय का साथ दे। यदि तुम दोषी होते तो हम स्वयं तुम्हें कड़ा दंड देते। बुआ साहब आपको यहाँ से जाना चाहिए, अधिक देर रुकना आपका ठीक नहीं होगा। विश्वास रखना मानसिंह, हम तुम्हें न्याय अवश्य दिलाएंगे, तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान हम तुम्हें अवश्य लौटाएंगे। प्रणाम पुआसा। शहंशाह आप इस वक्त कहाँ गई थी? पूछा जोधा बेगम इस वक्त कहाँ गई थी? हम मानसिंह से मिलने गए थे। अरे मना करने के बावजूद आप उससे मिलने गई? जोधा बेगम जो गद्दार है उससे मिलने गई हम, जिसने आपके बेटे को मुगल सल्तनत के वली अहद को मारने की कोशिश करने वालों का साथ दिया। शहंशाह आप उन्हें अपराधी समझ सकते हैं परंतु हम नहीं। जोधा बेगम ये मत भूलिए कि आप मरियम उस्मानी हैं, हम शहंशाह हैं, हम कोई भी फैसला दिल से नहीं बल्कि सबूतों के बिना पर लेते हैं और सारे सबूत मानसिंह के खिलाफ हैं। यदि किसी के विरुद्ध साक्ष्य मिलते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो मनुष्य भी गलत हो। मानसिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है शहंशाह। हम उस गुंजाइश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं जोधा बेगम, लेकिन जब तक तहकीकात नहीं हो जाती है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हुक्म की उधूली हो। आप हमें मरियम उस जमानी कहते हैं ना, तो मरियम उस जमानी होने के नाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे अधिकार क्या है। आखिर किस तरह का सवाल है ये? प्रश्न चाहे जो भी हो आप हमें उत्तर दीजिए। मरियम उस जमानी होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं, हमारा पद क्या है? मरियम उस जमानी शहंशाह के बाद सबसे ऊंची अहदेदार होती हैं। बस इसी के नाते हम मानसिंह से मिलने गए थे, ये जानने के लिए क्या सच में उन्होंने अपराध किया है या किसी के अपराध के शिकार हुए हैं वो। और यदि हम अपने पद का उपयोग नहीं कर सकते तो ऐसे पद का महत्व ही क्या है शहंशाह? लेकिन ऐसा करते वक्त आपने हमारे हुक्म को तोड़ा। अगर मरियम उस्मानी ही शहंशाह के हुक्म को नहीं मानेंगी तो फिर बाकी लोगों में क्या पैगाम जाएगा जोधा बेगम? हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं शहंशाह, हम बस सत्य जानना चाहते हैं। और यदि ऐसा करने से हमें रोका जाता है तो ऐसा झूठा पद और झूठा अधिकार हमें नहीं चाहिए जो केवल नाम का हो। हम जोधा बेगम मरियम उस जमानी होने का ओहदा आज से छोड़ते हैं। तो क्या गलत किया है जोधा बेगम ने? मानसिंह सिर्फ आपके औहदेदार और नवरत्नों में से एक नहीं है, वो जोधा बेगम के भतीजे हैं। और फिर आपने उन्हें सजा भी तो नहीं दी है, सिर्फ नजरबंद किया है। इसीलिए, क्योंकि वो हमारे वफादार हैं, इसलिए हमने सिर्फ उन्हें नजरबंद किया है हमेशा। कमाल है जलाल, वफादार भी कहते हो और नजरबंद भी करते हो। अब समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं हमेशा।
कि जोधा बेगम हो या कोई भी हो, हम हमारे हुक्म की हदूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरियम मकानी और मरियम उज़्ज़मानी के हक होते हैं जलाल। बतौर मरियम मकानी अगर हम आपका फैसला बदल सकते हैं, तो मरियम उज़्ज़मानी होने के तौर पर जोधा बेगम मानसिंह से क्यों नहीं मिल सकती? और ऐसा क्या गलत किया है उन्होंने जो आप खामखा उन पर बरस पड़े? मरियम, आप हमारी ये बात समझने को तैयार क्यों नहीं है कि मानसिंह पर संगीन इल्जाम लगे हैं? आप जानती है ना क्या किया है उन्होंने? क्या किया है मानसिंह ने? सलीम की जान ली है, आप पर हमला किया है। अगर मानसिंह वाकई गद्दार होते तो सलीम से पहले आप पर हमला करते। जरा सोचो जलाल, कितने मौके मिले हैं उन्हें इतने वर्षों में। मिजान, हमारे वफादारों के गवाहियों पर ही हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आप हमारे नजरिए से एक बार सोचें। लेकिन ये कदम सही नहीं है जलाल, जरा सोचो समझो, एक साजिश चल रही है। सबसे पहले तुम्हारी सबसे खास सलाहकार सलीमा बेगम, उसके बाद तुम्हारे दाएं हाथ मान सिंह। क्यों, कैसे? जोधा बेगम, सलीमा बेगम और आपके नौरतन, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपका हौसला है, गुरूर है वो मुगल सल्तनत के, और उन दोनों को नजरबंद करके आपने अपने गुरूर को ही तोड़ दिया है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, आज मोहरबंदी की रस्म में हम जोधा बेगम को मरियम उज़्ज़मानी का ताज पहने हुए देखना चाहते हैं, और आपको उनको जाकर मनाना होगा। ये मरियम मकानी का हुक्म है। धमाकेदार खबर लाई हूँ आपके लिए। बोलो। जोधा बेगम ने मरियम उज़्ज़मानी का औधा शहंशाह को वापस कर दिया है। क्या? हाँ। तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है रिशु? मरियम उज़्ज़मानी ने अपना औधा छोड़ दिया और तुम्हें इस बात से खुशी हो रही है? क्या ये गद्दारी नहीं? हुजूर, हमें लगा कि आप एक खबर सुनकर ज्यादा खुश हो जाएंगे। बेगम साहब, जितने हीरे जवाहरात मोती चाहिए ले लो रिश, ये तुम्हारा इनाम है। हम इस खबर से बहुत खुश हुए, घबराओ मत, ले लो। आज तुमने हमें जो खबर दी है वो सुनने के लिए हमारे कान 9 साल से तरस गए थे। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे बेगम साहिबा, और मुझे ऐसे ही धमाकेदार खबर सुनाने का मौका देता रहे। आदाब। मरियम उज़्ज़मानी तो हम बन नहीं पाए, और आप इस औहदे को संभाल नहीं पाई जोधा बेगम। सलीम की मोहरबंदी होने जा रही हैं और मरियम उज़्ज़मानी अब तक तैयार नहीं हुई हैं। बच्चों की तरह ज़िद करना बंद कर दीजिए जोधा बेगम, और फौरन मरियम उज़्ज़मानी का ताज पहनकर आप उस जश्न में मौजूद हों। हम आपको बता चुके हैं, हमें ये पद नहीं चाहिए। हम अच्छी तरह जानते हैं आपने हमें क्या कहा था, हमें याद है। शायद आप एक बात समझ नहीं पा रही हैं कि मरियम उज़्ज़मानी का औहदा जाने से या ना जाने से नहीं मिलता है। मरियम उज़्ज़मानी वो होती है जिसकी औलाद वलीहद बने। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है जोधा बेगम, आप मरियम उज़्ज़मानी हैं और रहेंगी। हमें ऐसा पद नहीं चाहिए जो केवल नाम का हो, जिसके कोई अधिकार नहीं हो। मरियम उज़्ज़मानी के क्या अधिकार होते हैं क्या हमें आपको समझाने होंगे शहंशाह? तो क्या हमें आपको बताना होगा कि एक शहंशाह का होता क्या होता है जोधा बेगम? वो अपने फैसले क्यों लेता है? नहीं, आपके निर्णय और शक्तियों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिस भांति आपने कल सबके सामने मानसी को अपमानित किया, हम नहीं सह सकते। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया जोधा बेगम, तमाम सबूत उसके खिलाफ थे। फिर अब आप उसके बाद जिद क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमसे अधिक मानसी को कोई नहीं जानता है।
जिसने अपना पूरा बचपन माता पिता से दूर रहकर बुआ और फूफा की सेवा में व्यतीत कर दिया, उसकी निष्ठा पर कोई कैसे संदेह कर सकता है? निष्ठा और स्वामी भक्ति का दूसरा नाम है मानसिंह, और उनका नाम बदनाम हुआ है। मतलब आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप ये ताज नहीं पहनेंगे? नहीं, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मानसिंह निर्दोष है, तब तक ना तो हम ये ताज पहनेंगे और ना ही मरियम उस जमाने के पद को स्वीकार करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। शहंशाह सलामत, इस रस्म को शुरू किया जाए? वलीहद को रस्म के लिए बुलाया जाए। शहंशाह, हम शहजादे को लेकर आते हैं। तो आखिरकार जोधा बेगम नहीं आई? बेटा, आपने ताज नहीं पहना? अम्मी जान, हम यहाँ पर एक माँ बनकर आए हैं, मरियम उस जमानी बनकर नहीं। पर देखिए ना कैसी विडंबना है, हमारा बेटा ही हमसे रुष्ट है। दिल छोटा मत कीजिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, हम अभी आते। रहीम, छोटी अम्मी जान नहीं कहोगे? रहीम, क्या बात है, खाने खाना उदास हो? नहीं छोटी अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं है। सलीमा बेगम की याद आ रही है ना? शहंशाह का हुक्म सर आंखों पर, समझ नहीं आता अम्मी जान के खिलाफ ये सब कैसे साबित हो गया। लेकिन एक बात तय है, अम्मी जान कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। हम जानते हैं सलीमा बेगम और मानसिंह दोनों ही निर्दोष हैं, परंतु क्या करें, शहंशाह को साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना होता है और साक्ष्य दोनों के ही विरुद्ध है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो कभी निर्दोष को दंड नहीं पाने देते। अब क्या कहें सलीम, मोहर बंदी के लिए शहजादे को लेकर आना मरियम और जमानी का काम होता है, और आज ये जिम्मा जोधा बेगम का था, मगर पता नहीं कैसे वो अपने दिल को इतना कड़ा कर पाती है। आप जानते हैं, जोधा बेगम ने मरियम और जमानी का ओहदा शहंशाह को वापस कर दिया, क्योंकि शहंशाह ने उनके भतीजे मान सिंह को नजरबंद कर दिया है। लगता है जोधा बेगम को दुनिया के हर बेटे की परवाह है, सिवाय आपके। खैर, आप चलिए, हमें देर हो रही है। देखा सलीम, आपकी अम्मी जान अभी भी यहां मौजूद नहीं है। उन्हें आपकी मोहर बंदी की खुशी से ज्यादा मान सिंह के नजरबंद हो जाने का गम है। खैर, आपकी बड़ी अम्मी जान है ना आपके साथ, जाइए अपने अब्बा हुजूर के यहाँ पर बैठ जाइए। जाइए। मुबारक वक्त बीत न जाए इसलिए शहजादे की वलीअहदी की मोहरबंदी की रस्म शुरू करने की इजाजत दें शहंशाह। अम्मी जान। जलाल, जोधा बेगम का इंतजार कर लेते हैं। अम्मी जान, ये रस्म अभी इसी वक्त की जाएगी, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। रस्म शुरू की जाए। इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि आज से मुगल सल्तनत के वलीअहद शहजादे सलीम अपनी ताकत
अपने ओहदे पर भी मोहर का इस्तेमाल हरम और सल्तनत की हिफाजत के लिए कर सकते हैं। हमारे बिना रस्म प्रारंभ कर दी गई आज।